कोई दिक्कत है किसी को? लव का कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी बच्चे को? यस सर। चलिए लिखिए तो। मीना तुम्हारा भाई कहाँ बेटा? मालूम नहीं सर। आयो हो अप्लीकेशन हो डिफिनाइट इंटीग्रेशन कैसे इसका एप्लीकेशन क्या है? देखो पहले समझिए मेरी बात समझिए। मान लीजिए ये x एक्सिस है या y एक्सिस, यह कोई कर्व है, ठीक है। मान लो ये ग्राफ है और यह ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक जा रहा है, ध्यान देना प्लीज। इसका लिमिट यहां पे x1 होगा, यहां पर लिमिट x2 होगा, क्लियर हुआ? हाँ या ना? Yes. अगर इसके अंदर ए वाला शेडेड एरिया निकालना है, इसके अंदर का एरिया निकालना है, ए वाला एरिया कैसे निकालेंगे? यह फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, यह एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है, इसका शेडेड एरिया शेडेड पार्ट कैसे निकालेंगे? धन तो हम क्या करते हैं कि यहां से स्मॉल एक्स छोटा सा स्मॉल एक्स कट करते हैं ऐसा, ठीक है? ध्यान देना प्लीज। डी एक्स मतलब एकदम थिकनेस, एकदम छोटा सा थिकनेस कट करते हैं, क्लियर हुआ? अच्छा बेटा रे यह लगभग यह हाइट क्या होगा? वाई होगा, होगा या नहीं होगा? हाइट क्या होगा? वाई होगा। अब बताइए किसका एरिया निकालना है? तो एरिया या, या क्या है? स्ट्रिप है, एक पतला स्ट्रिप है, स्ट्रिप। इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा? यह कैसा दिख रहा है? रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ऑलमोस्ट रेक्टेंगल टाइप का, हाँ या ना? यस सर। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या होगा? क्या होगा एरिया? क्या होता है? लेंथ इनटू एल इंटू बी होता है कि नहीं होता है, ये बताओ। ए रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? एल इंटू बी, कोई डाउट? नो सर। एल कितना है और बी कितना है? क्या यहां तक समझ में आया? हम इतना का एरिया निकाले, सिर्फ इतना का, इतना पार्ट का एरिया, समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? Yes, अब हमें एरिया किसका निकालना है? इस टोटल साइडेड पार्ट का, लिखिएगा। कैसे निकालेंगे बेटा? इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कितना? इतना वाई डीएक्स। अब यह डीएक्स कहां से कहां तक लाई कर रहा है? यह लोअर लिमिट क्या हो गया? लोअर लिमिट। और यह क्या है? मैक्सिमम एक्स कितना जा रहा है? अपर लिमिट। कितना जाएगा बेटा? एक्स वन टू एक्स टू, और इसको जो कैलकुलेट करके आंसर आएंगे आएगा वही एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। यह कंसेप्ट है, मैं दो चार एग्जांपल देके बता दूं। पहले लिख लीजिए आप, हुआ बेटा? यस सर। हाँ बोलिए बेटा, बोलिए बेटा। सर वो लिख रहा हूँ। बढ़वा आगे। यस सर।
जैसे अब एग्जांपल देता हूं, यह बेसिक कंसेप्ट रहा, एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ए रेक्टेंगल समझ में आ रहा है बेटा, हाँ या ना? यस सर। इसका साइड मान लीजिए यह 2 है और यह 4 है या 8 है, मान जो मान लीजिए 8 है, यह मान लीजिए कितना मान लीजिए 2 मान लीजिए। ये बात समझ में आ रहा है क्या? ये बात समझ में आ रहा है? इसका एरिया कितना होगा बता सकते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा? 12। क्यों 12? क्योंकि देखिए यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा ये बताइए, ये बताइए कि यहां से यहां तक का लेंथ कितना दिया है? 2 दिया है। x का वैल्यू 2 दिया है, दिया है कि नहीं दिया है? अरे यार x ही है ना, हाँ या ना? यस सर। ये भी तो x ही है ना, हाँ या ना? यस सर। या y है या नहीं है? यस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यह कितना होगा? यह इसका x का मतलब यह x1 मान लो, x2 मान लो, x2 वैल्यू कितना है? 8। अरे सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं तो नहीं बोल दो। आ रहा है। अब बताइए कि इसका लेंथ कितना होगा? यही लेंथ होगा ना बेटा, हाँ या ना? क्या बोलोगे लेंथ? 8 माइनस 2 x2 माइनस x1, हाँ या ना? यस। 8 माइनस 2 कितना आएगा? 6। कोई डाउट? कोई डाउट? और इसका हाइट कितना है? 2। तो बताइए, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है जल्दी बताइए? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ कितना हो जाएगा? एल लेंथ कितना है बोलो? 6 या जो बोलना है बोलो, और ब्रेथ कितना है? 2। कितना आ जाएगा? क्या सभी बच्चे ठीक क्लियर है? Yes. सभी बच्चे क्लियर? अब आइए इसको एरिया इंटीग्रेशन से कैसे निकालें, इसका एरिया इंटीग्रेशन से कैसे निकालिए। यहां तक क्लियर हो गए क्या? यहां तक क्लियर हो गए? यस सर। मैं रफ करूं बेटा? मैं रफ कर दूं सर? यस सर। यस सर। अच्छा आइए, अब इसका एरिया निकालना है बाय द इंटीग्रेशन, कैसे निकालेंगे? तो हमें दो तरीका है निकालने का, या तो आप x में वेरिएबल ले लीजिए या y में, तो दोनों में मैं बता रहा हूं। मेथड फर्स्ट, अलोंग x एक्सिस। तो देखिए, तो ध्यान दीजिए, यहां x का वैल्यू कितना है? अब x का मिनिमम वैल्यू यही है, बोलिए, और x का मैक्सिमम वैल्यू यही है, हाँ या ना? यस यस यस। इसको हम लोअर लिमिट कहेंगे, x का मिनिमम वैल्यू मतलब लोअर लिमिट, बोलेंगे क्या? यस सर। नहीं समझ में आ रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। और यह x का मैक्सिमम वैल्यू है? यस सर। क्या इसको अपर लिमिट कहेंगे? क्या हम इसको अपर लिमिट कहेंगे? यस सर। अब समझिए प्लीज, जवाब देते हुए, नहीं तो मजा नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो यह ओरिजिन, यहां से हम कुछ डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, मान लो x कोई वेरिएबल टर्म है, एक पतला से स्ट्रिप कट करेंगे। किसके लोग? क्योंकि हमने बोला x, इसलिए x के अलोंग ले रहा हूं। अगर y बोलता है तो किसके अलोंग लेता? क्या यह क्लियर है आपको? क्या यह क्लियर है? इसका थिकनेस हमने कितना बोला? माना dx। कितना माना? dx। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। अब इसका हाइट कितना है?
हाइट कितना है? टू. तो देखो तो एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या होगा जल्दी बताओ. एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या होगा जल्दी बताओ. dx. L into b. L कितना है? dx. और b कितना है? 2. क्या क्लियर है? या y या 2. क्लियर है? यस सर. अरे एरिया ऑफ स्ट्रिप इतना पतला स्ट्रिप का एरिया क्या होगा बताओ तो सही. हाइट into dx. क्या सभी बच्चे क्लियर है? क्या सभी बच्चे क्लियर है? यस सर. यस. अब बताइए एरिया ऑफ रेक्टेंगल. कितना आएगा? इसको इंटीग्रेट करेंगे. अब यहां पे वेरिएबल कौन है? एक्स. तो एक्स का लोअर लिमिट क्या है? और अपर लिमिट क्या है? तो लोअर लिमिट से अपर लिमिट क्या इंटीग्रेशन आता है आपको? यस सर. यस सर. टू कांस्टेंट काट पकड़कर. क्लियर है? टू कॉन्स्टेंट का काट पकड़कर बाहर बचा क्या? dx. dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x. x. x कहां से कहां तक? लोअर लिमिट से. क्लियर है कि नहीं है? यस सर. यस सर. क्या आएगा? टू अपर लिमिट माइनस. याद है ना बताया था डेफिनेट इंटीग्रेशन. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना आ जाएगा? क्या क्लियर है? क्या वही आंसर आया? यस सर. यस सर. समझ में आया नहीं आया? खुल के बोलो नहीं तो नहीं. बोलिए क्लियर है? यस सर. सर एक बार फिर से समझना. एक बार फिर से समझाता हूँ. टेंशन मत लीजिए. रब करो. क्या मैं रब करूं? यस सर. क्या आप लोग यहां तक क्लियर हैं? यस. यही क्वेश्चन था. हमें इंटीग्रेट एक्स के अलोंग निकालना है तो क्या करेंगे? यहां से एक्स डिस्टेंस पे एक पतला स्ट्रिप कट गया. इसका थिकनेस कितना होगा? डीएक्स. इसका हाइट कितना होगा? टू. तो देखिए सर एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या होगा? बोलिए. हाइट इंटू टू इंटू dx. क्लियर है कि नहीं है? यस सर. क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? यस सर. अब नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल. यह छोटा सा एरिया को क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे. इसका लोअर लिमिट कितना है? अपर लिमिट कितना है? क्लियर? यस. इंटीग्रेशन आता है टू कांस्टेंट है कान पकड़कर. क्लियर हुआ? डीएक्स का इंटीग्रेशन आता है आपको एक्स. आपको पता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना आ जाएगा?
क्या क्लियर हुए आप लोग? यस सर। चलिए बढ़े आगे। क्या बढ़े आगे? यस सर। यस सर। अगर हम यही चीज वाई में बात करें तो अगर या एक्स के अलावा हमने बात किया है, अगर वाई के अलावा बात करें तो क्या होगा? देखिए तो यह एक्स एक्सिस है, हाँ या ना? हम कट करेंगे अलोंग द वाई, या क्या होगा वाई, इसका थिकनेस कितना होगा? डी वाई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यह लेंथ कितना आएगा बता दीजिए? सिक्स होगा नहीं होगा? yes, sir. एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या होगा बोलिए? 6dy, 6 into dy, क्लियर हो रहा है? यह लेंथ हो गया और यह ब्रेथ हो गया। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? नो सर। ओ सर एक बात और बताइए बेटा, यहां पे y का वैल्यू क्या होगा? यहां पे y का वैल्यू, x एक्सिस पे y का वैल्यू क्या होता है? जीरो। जीरो। यहां पे y का वैल्यू जीरो, और यहां पे y का वैल्यू क्या होगा? टू। क्या सभी बच्चे क्लियर है? यस सर। यार जीरो क्या हो गया? लोअर लिमिट। और यार टू क्या हो गया? अपर लिमिट। क्या सभी बच्चे को क्लियर है? यस सर। यस। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा बताइए तू? क्या होगा जल्दी बताइए? छोटा सा एरिया को लेकर क्या करेंगे? इंटीग्रेट। कहां से कहां तक? जीरो से कहां तक? टू तक। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। इंटीग्रेशन आता है सिक्स कांस्टेंट, कान पकड़कर। डी वाई का इंटीग्रेशन कितना आता है बेटा? वाई। उसके बाद क्या करते हैं? हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कितना आ जाएगा? क्लियर हुए? यस सर। यस सर। लिख लिए? तो समझ में आ गया बेटा कि हाउ टू अप्लाई द डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, समझ में आया? यस सर। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, आज ही से शुरू कर रहा हूं वेक्टर। क्या नया टॉपिक है? वेक्टर स्टार्ट करूंगा, जो नए बच्चे उनको भी अब समझ में आएगा। रख कर दू बेटा इसको? यस सर। वेक्टर स्टार्ट करूंगा। अब लिखेंगे नहीं, पहले समझिए सभी, पहले आप सभी लोग समझिए वेक्टर। एक्चुअल में यह आपका इलेवेंथ का भी पार्ट है, इलेवेंथ के सिलेबस में भी है आपके, चाहे वो सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो, सभी सिलेबस में यह है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। क्यों ऐसा पढ़ रहे थे? बेसिक मैथमेटिकल टूल्स क्यों पढ़ रहे थे?
क्या जरूरत है मैथमेटिकल टूल्स पढ़ने का हम लोगों को, इसका वजह क्या है? क्योंकि टोटल फिजिक्स में इसका यूटिलाइज है, जो जो पढ़े हैं आगे की कदम में वेक्टर के बाद सभी चीजों का यूज होगा। अगर आप वो नहीं पढ़े होते तो एक भी कंसेप्ट, एक भी स्टेप आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए जितना पढ़ाया गया उसको आपको रिकॉल करना है, ध्यान में रखना, आगे बढ़ना। देखिए पहला वर्ड आता है फिजिकल क्वांटिटी। क्या आता है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है बेटा? फिजिकल क्वांटिटी किसे कहेंगे? वह क्वांटिटी जो आसानी से मेजर किया जाए, मापा जाए, उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोर्ड, क्या इस बोर्ड को आसानी से मेजर कर सकते हैं क्या? हाँ या ना? यस सर। यस सर। यह बोर्ड क्या है? क्या हम अपने आप को मेजर कर सकते हैं? यस सर। क्या हम दीवार को मेजर कर सकते हैं? यस सर। तो जो क्वांटिटी आसानी से मेजर हो उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। लिखिए डेफिनेशन, लिखिए डेफिनेशन। द क्वांटिटी विच कैन बी इजिली मेजर is called physical quantity। जो क्वांटिटी आसानी से मेजर हो उस क्वांटिटी को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी थ्री टाइप्स का होता है। फर्स्ट है वेक्टर, सेकंड है स्केलर और थर्ड है टेंजर। यह टेंजर जो है आपके सिलेबस में नहीं है, ये बात ध्यान देना, टेंजर आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? वेक्टर एंड स्केलर, ठीक है? यस यस। चलिए बढ़ूं आगे। एक बात पूछूं, आप लोग टेंथ क्लास पढ़े हैं ना? यस सर। आप लोग के टेंथ क्लास में करंट पढ़ना था, याद है? करंट, इलेक्ट्रिक करंट। यस सर। इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर है कि स्केलर? स्केलर। हम्म, स्केलर है सर। स्केलर का डिफिनेशन क्या है? इसको डायरेक्शन नहीं लगता। तो क्या करंट में डायरेक्शन नहीं होता है? होता है सर। तब फिर कैसे बोल रहे हैं कि स्केलर है? आप तो दोनों बात बोल रहे हैं कि स्केलर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो करंट इज अ, अकॉर्डिंग टू योर डिफिनेशन करंट क्या है ये बताइए, वेक्टर है कि स्केलर? वेक्टर। लेकिन बुक में वेक्टर लिखा हुआ है क्या कहीं कि करंट एक वेक्टर क्वांटिटी कहीं लिखा हुआ है कहीं भी? नो सर, नहीं लिखा। नो। तब फिर क्या गलत है, क्या काम गलत कर रहे हैं कि करंट तो इस बुक में लिखा हुआ है स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन उसमें जो स्केलर क्वांटिटी का प्रॉपर्टी होना चाहिए वो तो नहीं है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना? यस सर। कहां गलत कर रहे हैं, सच पूछो।
तो करंट हो गया, प्रेशर हो गया, स्ट्रेस हो गया, ये सब वेक्टर भी नहीं है, स्केलर भी नहीं। क्या नहीं है? ना वेक्टर क्वांटिटी है और ना ही स्केलर क्वांटिटी है, बल्कि वह टेंजर क्वांटिटी है। क्या है? टेंजर है। क्या है? टेंजर है। लेकिन मैंने एक वर्ड बोला कि टेंजर आपके सिलेबस में नहीं है, ये वर्ड बोला ना, टेंजर इज नॉट इन योर सिलेबस। क्लियर? बताओ तो टेंजर हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसको स्टडी करना है, तब फिर हम क्या बोलेंगे? चल भाई टेंजर नहीं है ना, तुम पे स्केलर बोल दो। बात समझे क्या? क्या बोल देते हैं? स्केलर। बट रियलिटी में वह स्केलर नहीं है। बात समझ में आया क्या? करेंट स्केलर नहीं है। क्या है? क्या है? टेंजर। रियलिटी में क्या कहलाता है कि प्रेशर स्केलर नहीं है, बल्कि क्या है? रियलिटी में स्ट्रेस स्केलर नहीं है, बल्कि क्या है? सरफेस टेंशन स्केलर नहीं है, बल्कि क्या है? बट हमें नहीं पढ़ना, हमारे सिलेबस में नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट कि दीज ऑल स्केलर फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड व्हाट? दीज ऑल टेंजर क्वांटिटी इज कॉल्ड व्हाट? समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अब आइए वेक्टर का डिफिनेशन जानते हैं, क्योंकि आपको, मुझे पता है कि आपको वेक्टर का डिफिनेशन नहीं पता है। मुझे पता है कि आप लोग को वेक्टर का डिफिनेशन नहीं पता। पता है किसी को? किसी बच्चे को वेक्टर का डिफिनेशन पता है? कोई बच्चा बताए? उसके पास डायरेक्शन मैग्नीट्यूड होता है और वो बोलो ट्रायंगल एडिशन प्रॉपर्टी। सही बोल रही हो। वेक्टर वह फिजिकल क्वांटिटी है, सुनो, वेक्टर वह फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड मतलब नंबर मतलब वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 जो भी है नंबर, एंड डायरेक्शन का मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एक्सेट्रा। उसके बाद ट्रायंगल ऑफ एडिशन बताऊंगा क्या है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड लास्ट कम्यूटेटर लॉ। कम्यूटेटर लॉ जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास ये चारों प्रॉपर्टी हो ना, उसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? वेक्टर। अगर यह चारों प्रॉपर्टी नहीं हो तो उसको कहते हैं स्केलर। अब आप बोलेंगे कि पांडे सर करंट के पास मैग्नीट्यूड है या नहीं है? यस सर। डायरेक्शन भी है या नहीं है? यस सर। यस। क्या ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि नहीं है जिसके वजह से वो टेंजर है? तो यह दोनों प्रॉपर्टीज होने का, एक प्रॉपर्टीज होने का। क्लियर हुआ क्या? इस वजह से करंट स्केलर नहीं बल्कि टेंजर है, बट टेंजर हमारे सिलेबस में नहीं है, दैट्स व्हाई हम बोलते हैं स्केलर। लिखिएगा वेक्टर का डिफिनेशन। वेक्टर का डिफिनेशन, वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच मस्ट फॉलो द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कौन कौन? ये लिख लेना, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ट्रायंगल ऑफ एडिशन एंड कम्यूटेटिव लॉ। इसको लिख लो। चल बढ़े आगे बेटा। यस सर।
एक मिनट आप इसको एक्सप्लेन कर दे, चारों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आप कर दो ना एक मिनट इस बार सैटरडे को कंबाइंड क्वेश्चन आएगा, मतलब शुरू से लेकर अभी तक जितना पढ़ाया हूं सबका क्वेश्चन आएगा फिजिक्स में। देखिए फर्स्ट क्या है, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, मतलब नंबर्स का मतलब 1, 2, 3, 4, 5 जो भी है एक्सेट्रा। क्लियर हो रहा है? बी डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है बेटा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एक्सेट्रा, इसका डायग्राम देखिए ऐसे बनता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? सी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, क्या है ट्रायंगल ऑफ एडिशन, इन ट्रायंगल शॉर्टेस्ट लेंथ वेक्टर, shortest length vector equal to longest length vector, क्या है ट्राइंगल में जो shortest length vector होगा equal to किसके बराबर होगा, किसके equal to होगा बोलो, longest length vector, समझते समझते क्या है या बात क्या कहना चाह रहा है। देखिए यह ट्राइंगल है बेटा, हाँ या ना, क्लियर? यस। मान लीजिए यह ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट और यहां पे जाना इंटीरियर, तो देखिए तो एक रास्ता ऐसे जाने का और एक रास्ता ऐसे है या नहीं है, एक वे यह है और एक वे है या नहीं है, इसका नाम है ए बी सी, तो इस वे को क्या बोलेंगे, इस वे को क्या बोलेंगे, इस वे को क्या बोलेंगे, शॉर्टेस्ट वे, हाँ या ना, और इस वे को क्या बोलेंगे, बोलो ना, लॉन्गेस्ट वे। ट्रायंगल ऑफ एडिशन क्या कहता है, शॉर्टेस्ट लेंथ इक्वल टू लॉन्गेस्ट लेंथ, मतलब ए सी वैक्टर इक्वल टू ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर। चलो अब रेस्ट डिस्कशन कल होगा, रिवीजन कर लेना, रेस्ट डिस्कशन कल करेंगे।